नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे स्टॉक की, माफ कीजिएगा स्टॉक की नहीं बाजार की। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि स्टॉक से ज्यादा भी बाजार दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यूएस के बाजार जो नैसडेक है वो वापस से एक आप कह सकते हैं बड़ी गिरावट दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। और ये गिरावट जो यूएस में हो रही है, इसका मतलब ये है कि जो सोमवार की तारीख है, सोमवार का जो दिन होगा, वो वापस से आईटी कंपनीज के लिए आप कह सकते हैं एक और बड़ी गिरावट आपको देख सकते हैं वहां पे, वो आपको दिखाएगा दोस्तों। और ये जो गिरावट होगी, यकीन मानिए ये जो निवेशक है, खासकर रिटेल निवेशक, उनको बहुत ज्यादा डरा रही है दोस्तों। रीजन, क्योंकि ऊपरी स्तरों से जो लगातार गिरावट शुरू हुई है, अब वो थमने का नाम नहीं ले रही है। यूएस में मंदी आने वाली है, यूरोप में मंदी आने वाली है, रशिया ने कह दिया है कि भाई पार्शियल मोबिलाइजेशन होगी, यानी रशिया यूक्रेन वॉर और बढ़ने वाली है। डॉलर इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे है, एक भी यानी ऐसी न्यूज नहीं है दोस्तों जो हमारे फेवर में हो, हमारे भारतीय बाजारों के फेवर में हो। और ऐसे में ये जो गिरावट है ये और शायद बढ़ेगी। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, ये इसलिए है क्योंकि आपके साथ चर्चा कर सकूं कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है और क्यों क्यों घबराना नहीं है दोस्तों हम लोगों को, क्योंकि ये जो चीजें हो रही हैं ये ऑलरेडी होने ही वाली थी। ये कुछ ऐसा नहीं है कि जो कुछ नहीं होने वाला था और हो जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज को प्लीज अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए निफ्टी 50 है ये, आप देखें तो 1.5% से ज्यादा की गिरावट आपको यहां देखने को मिलेगी। और इससे भी बड़ी चीज, 302.45% की, 4-5 पॉइंट्स की आपको गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं, आप देखें पिछले एक महीने का डेटा देखें तो ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे ये लगभग 4% से ज्यादा की गिरावट दिखा रहा है। और इसने एक इंपॉर्टेंट अपना सपोर्ट दोस्तों 1700-1750 इसे तोड़ दिया है, ठीक है। हाँ, पॉजिटिव है कि 1700-1710 बचा हुआ है और जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है 1700-1700 का, ये बचा हुआ है। लेकिन जिस तरह से यूएस में देखिए 200 पॉइंट के आसपास की नेगेटिव मुझे दिख रही है, मुझे लगता है मंडे का दिन एक भारी हो सकता है। लेकिन देखिए अभी बाजार खुले हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आप कह सकते हैं रिवर्सल दिखाए बाजार और पॉजिटिव में हो जाए, इसके चांसेस मुझे काफी हद तक कम दिखते हैं दोस्तों, ठीक है। और आप देखिए ये होना लाजमी भी है दोस्तों। रीजन, यूएस से लगातार रिसेशन की खबरें आना, डॉलर इंडेक्स 110 को पार कर जाना, रुपी ऑल टाइम लो में आप देखिए चल रहा है, 80 रुपए को भी पार कर चुका है दोस्तों। तो ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा नेगेटिव है दोस्तों। और ऐसे में आप देखिए जब यूएस में प्रॉब्लम होती है तो जो सबसे बड़ा झटका हमें बाजार को दे रहा है वो है आईटी। और आपको पता होगा आईटी में निफ्टी का बहुत बड़ा, निफ्टी में आईटी का बहुत बड़ा वेटेज रहता है, और आईटी प्लस बैंक ये दोनों ही औंधे मुंह गिर रहे हैं दोस्तों। किस तरह गिर रहे हैं? औंधे मुंह गिर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि बहुत ज्यादा हमें अभी दिमाग से शांति से काम लेना है दोस्तों, ठीक है। और अभी इस समय प्लीज मैं कहूंगा जो लार्ज कैप आईटीज हैं उन्हें एक्यूमुलेट करें। प्लीज कोई बहुत बड़ा निवेश इन स्तरों में बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बड़े निवेश से प्लीज बचिएगा इस वक्त दोस्तों, ठीक है। और अभी का जो समय है दोस्तों, कैश में बैठे आप, मैं जब लगातार मेरे पुरानी वीडियो देखेंगे, मैंने कह रहा था कैश में रहिए, कैश में रहिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और बाजार अब आपको मौके दे रहा है बहुत शानदार इन्वेस्टमेंट की, बहुत शानदार खरीदारी की, इसे प्लीज जाने मत दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और जो ये गिरावट हो रही दोस्तों, जो ये गिरावट आप देख रहे हैं, ये सिर्फ आप कह सकते हैं क्षणिक हो सकती है। और देखिए अगर बहुत बड़ी गिरावट होती भी है तो भी मैं इसीलिए कह रहा हूं प्लीज एक्यूमुलेट के मोड में रहिएगा। और ये मौका बहुत अच्छे अच्छे शानदार स्टॉक्स को बहुत शानदार लेवल्स में लेने का समय है दोस्तों, ठीक है। और इसीलिए कह रहा हूं बहुत आराम से, बहुत ही अच्छे से काम कीजिएगा। और मंडे का दिन कैसा रहेगा, मुझे लग रहा है गिरावट शायद हो सकती है, लेकिन गिरावट में पलटे इस काम से हो सकती है दोस्तों, यदि जो यूएस के बाजार हैं थोड़े मजबूती दिखाएं,
ठीक है, लेकिन ये होना बहुत मुश्किल लग रहा है दोस्तों। मैं फिर कहूंगा पैनिक नहीं होना है, अच्छे स्टॉक्स को अच्छे लेवल में लेने की कोशिश कीजिएगा। तो यदि आपको मेरी छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहां तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।